प्रदेश के उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि जिले में किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इसके लिए लालसोट कृषि उपज मंडी को 4 मई से खोला जाए। इससे किसानों को सरकारी खरीद का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में खरीद केंद्र स्थापित नहीं किए हैं उनके प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजे जाएं और शीघ्रता से चालू करवाने की व्यवस्था कराएं। मंत्री मीणा ने यह बात शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभा भवन में आयोजित एक बैठक में कही। उन्होंने कहा कि लालसोट में मंडी चालू करवाने के साथ ही रामगढ़, पचवारा और राहुवास में गेहूं, सरसों और चने की खरीद केंद्र खुलवाने की व्यवस्था की जाए। इससे किसानों को अपने नजदीकी खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेचने का लाभ मिल सकेगा। इस दौरान मीणा ने कोरोना और लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के निर्देश भी दिए। लॉकडाउन बढ़ा है और जिले में कर्फ्यू लगाया, उस पर अलग साहब से एसपी साहब से बात हुई है। लॉकडाउन को बढ़ने की परिस्थितियां जो बन रही है, एक तो एमएसपी का किसानों का बहुत दबाव आ रहा है। एमएसपी के सेंटर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें, क्यों पहले 25% एमएसपी खरीद का था, उसको 40 कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, सारी लॉकडाउन की भी हो और किसानों का गेहूँ भी मंडियों में एमएसपी सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खुले, उसके लिए कलेक्टर साहब को कहा है कि वो जब प्रस्ताव भेजकर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलवाए जिससे किसानों को अपनी कीमत का उचित दाम मिले। लालसोट में भी रावास, रामगढ़, लालसोट, मंडावरी 4 सेंटर के लिए 2 सेंक्शन हुए, 2 के